लगभग वही स्कूल में पढ़ा हो गया सभी लोग, आई थिंक 80s. Good morning. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hey guys, good morning, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. और मैं रिधि खोराबा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में. चलिए तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, सुबह के 9:10 हो गए हैं और बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है. व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देख लिया है कितना सुबह काम होता है, तो फटाफट से सब कुछ काम फिनिश किया. चलिए तो अभी हेमल भी सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके वो गए हैं टेम्पल पे, बिकॉज आज ट्यूजडे है, तो हर ट्यूजडे को हेमल जाते हैं हनुमान दादा के टेम्पल पे, जैसे मंडे के दिन जाते हैं महादेव के टेम्पल पे. सो हेमल भी ऑलमोस्ट घर से निकल गए हैं टेम्पल को दर्शन करके, फिर मार्केट में जाएंगे और सीधा दोपहर को लंच करने ही आएंगे, कुछ इस तरह से है आज का. चलिए तो अभी जो कुछ भी काम है वो फिनिश करूंगी और फिर बनाएंगे दोपहर को कुछ गरम गरम सा लंच. वैसे आज भी हेमल ने बोला है कि कैबेज की सब्जी ही बनाना, तो हेमल के लिए कैबेज की ही मुझे सब्जी बनानी है. हेमल को ना एक सब्जी पसंद आ जाती है ना, तो वो दूसरे दिन भी बोलते हैं कि मुझे वही खाना है. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आज भी कैबेज की सब्जी, दाल चावल, बस वही सब बनने वाला है. चलिए कोई बात नहीं, और रात को बनने वाली है घर पे भेल, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके मैंने कल रात को ही रख दी थी, बिकॉज हेमल को ना भेल में ढोकली पसंद है, बस उसकी मैंने प्रोसेस सब कुछ जो करना होता है वो कल रात को ही करके रख दिया है, तो साथ साथ में उसकी भी तैयारी करते जाएंगे. चलिए अभी जो कुछ भी काम है वो फटाफट से फिनिश करूंगी और उसके बाद दोपहर का लंच बनाएंगे. चलिए तो लंच एकदम से बन के रेडी हो गया है और दोपहर के अभी 2 बजे हो और हेमल अभी तक मार्केट से नहीं आए हैं, और बाहर ना बहुत ज्यादा ही धूप है. बारिश तो चली गई, गायब हो गई है, और ऑलमोस्ट देखिए कुछ इस तरह से मौसम है. वो बादल इतने लगे हुए हैं ना प्यारे प्यारे, बट धूप है, बारिश नहीं आ रही है और गर्मी वापस से स्टार्ट हो गई है. जैसे ही बारिश जाती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है. चलिए तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि क्या दोपहर को आज लंच पे बना है. सो देखिए यहाँ पे मेरा एकदम से लंच रेडी ही है. सबसे पहले मैंने बनाई है कैबेज की सब्जी, उसके साथ है यहाँ पे गर्मा गर्म फुल्का रोटी, और साथ में है यहाँ पे दाल जो कि घी का तड़का लगाया है दाल में मैंने आज, उसके साथ है यहाँ पे हमारे राइस, और साथ में है यहाँ पे रोस्टेड पापड़. सो कुछ इस तरह से आज का लंच था. हेमल अभी तक नहीं आए हैं इसलिए मैंने बटर मिल्क कर्ड वगैरह वो फ्रिज में रखे हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है. चलिए तो हेमल आएंगे तो हम लोग कर लेंगे हमारा दोपहर का फटाफट से लंच. A few moments later. इस कब से हेमल का वेट कर रही हूँ, देखिए अभी कितने बज गए हैं, कब से लंच बन के रेडी हो गया है और अब जाके हेमल घर पे पधार चुके हैं. यहाँ पे स्वागत है आपका घर पे. गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. कैसे है आप? क्यों गुड मॉर्निंग क्यों भूल जाती हो आप? वो चलता है क्या करें, दिमाग काम नहीं करता. बाहर से मैं आया हूँ, दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता क्या? क्योंकि हम किचन में होते हैं. अच्छा, वर्ल्ड की सबसे गर्म जगह किचन. किचन उसमें भी अगर रोटी बाजरी का रोटला कुछ बना ले तो ऑलमोस्ट हो जाता है मगज गर्म. ऐसा चलता है क्या? बोलता है गुजराती में बोलता है ना, सेक जाता. हाँ वो हिंदी में भी वही बोलते हैं. अच्छा, सिक जाता है. बाहर देखी तुमने धूप? देखी देखी, इसलिए बोल रहे थे. टेरेस पे गई थी प्लांट्स को देखने. इतनी ज्यादा एक दिन में ना सॉरी, इतनी ज्यादा धूप निकली है. कल तो फिर भी हल्की हल्की बारिश साथ साथ में थी, बट आज तो धूप ही धूप है सुबह से. वो पापड़ भी सुखाएंगे ना तो एक दो घंटे में सूख जाएंगे ना, पूरे सूख जाएंगे. वैसी धूप है, क्या करे. पर पूरा बाइक ना पूरा एकदम गर्म हो गया था. हाँ बट वो अच्छा है, वैसे सब जगहों पे पानी है तो थोड़ा सूख जाएगा, फिर वापस बारिश आएगी, फिर सूख जाएगा. ऐसा चलता है कुदरत के आगे किसी की नहीं चल. बात तो सही है. चलिए तो गरम गरम सा लंच रेडी है. क्या बनाया आज? आज आप बोल के गए थे फिर भी पूछ रहे हैं कि कैबेज की सब्जी. नहीं कुछ चेंज हो गया हो? नहीं आप बोलते हैं वही हम बनाते हैं. हम आपके कुक है ना, इसलिए जो महाराजा ऑर्डर करेंगे वही कुक बनाते हैं और दूसरा नहीं बनाते हैं, इसलिए. और कुछ? कुछ नहीं, शाबाश. तो आज भी आपकी फेवरेट कैबेज की सब्जी, रोटी, दाल चावल बना है. व्यूअर्स को ऑलमोस्ट दिखा दिया है मैंने. ओके, कि क्या क्या है, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया. हाँ, लेट मुझे मालूम है. चलिए तो अभी मैं जैसा कि बोला था कि बटर मिल्क एंड कर्ड फ्रिज में है तो वो लेने जा रही हूँ, लेके आती हूँ. okay. फिर लंच करने बैठ जाते हैं. ठीक है, चलो तब तक आप फ्रेश हो जाइए. okay.
सो गाइस अभी हो चुकी है बहुत अच्छी इवनिंग और दोपहर को ना लंच करने के बाद थोड़ा बहुत काम कर रही थी और फिर मैं सो गई थी, तो उसके बाद पता ही नहीं चला कहाँ पे टाइम चला गया। और बस अभी जस्ट उठ के फ्रेश होके फटाफट से सबसे पहले माता रानी की पूजा यहाँ पे देखिए कर ली है मैंने, तो ऑलमोस्ट दिए वगैरह लगा दिए है और माता रानी की अच्छी तरह से पूजा हो गई है। बस अब जाऊंगी किचन में, जैसा कि दोपहर को ही बताया था कि आज हेमल की फरमाइश थी कि घर पे भेल बनाना शाम के टाइम को, और हेमल को ना ढोकला वाली भेल पसंद है, तो बस वो ढोकली बनाने रखूंगी। और दूसरा बस सब साथ साथ में दोपहर को आधा प्रिपेयर करके ही रखा है, वो आलू उबाल के रख दिया है, तो बस वो सब बनाना है, वो फटाफट से किचन में जाऊंगी और बनाऊंगी। वैसे अभी टाइम है, अभी तो 7:30 ही बजे है, थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में। सो चलिए फटाफट से पहले सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो डिनर एकदम से बन के रेडी हो गया था, जैसा कि बोला था कि घर पे फेल बनने वाली है, और हेमल भी मार्केट से यहाँ पे आ गए हैं और हम लोग हमारा डिनर करने बैठ भी गए हैं। सो हेमल यहाँ पे आ गए हैं, जैसा कि हेमल ने बोला था उसकी फरमाइश पे आज घर पे बनी है हेमल की फेवरेट भेल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्यों भेल भी वो भेल वाली भेल नहीं दूसरी। हाँ मैं हमेशा बोलती हूँ हेमल का अलग ही रहता है, तो आज भी ऐसा ही है, दुनिया से अलग। पोरबंदर में मिलती है, हाँ बट वहाँ पे भी मिलती है, उसमें आपकी चॉइस अलग है, बिना मुरमुरे की भेल। हाँ, वो भी बात सही है। वो कहाँ की है ये तो बता दीजिए, आप बोल रहे थे ये ना बहुत पहले खाते थे हम लोग जब 8 स्टैंडर्ड में थे ना। हाँ, तो स्कूल के बाहर मिलती थी। यस, तब खाते थे, अभी बीच में भी खाई थी हम लोगों ने सब जब साथ में थे ना हम लोग फ्रेंड सर्कल, तभी ऐसा है। तो हेमल को ना ऐसी भेल पसंद है, इसलिए आज घर पे ऐसी भेल बनी है, कैसी वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसी है। अच्छी है। चलिए आज भी ना वो मसाला पाव जब बनाया था ना भरेला पाव, तो उसमें बहुत सारी कमेंट्स आई है, ढेर सारी, वो कहते ना भर भर के कमेंट आई है कि हेमल का बेस्ट है और रिधि का इजी है। तो सबको पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, और खास करके हेमल को बहुत अच्छा लगा कि हेमल के वो पाव बनाया था ना उसकी इतनी तारीफ की। अब मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि जब भी घर पे भरेला पाव बनेंगे ना तब हेमल ही बनाएंगे, मैं सब प्रिपेयर करके दूंगी, सिर्फ हेमल यहाँ पे बनाए। रिच ने क्या किया, वो उतावड़ जो बोलते हैं ना। हाँ। जली जली में रिच ने ना भरेला पाव की जगह डाबेली बना दी। नहीं वो मैं चटनी भूल गई थी, लास्ट में मुझे पता चला कि वो जो इमली की चटनी थी तो वो मैंने ऐड ही नहीं की है। नहीं रिच वो जो पाव होता है ना वो भरेला पाव, वो ऐसा ही अच्छा लगता है, एक एक करके सब कुछ डालो ना। हाँ बट वो हेमल का टेस्ट आएगा। हम क्या करते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो भी बात सही है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, आज घर पे भेल बनी है तो हेमल फटाफट से बनाइए भेल, आज मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भेल बनाते हैं। तुम्हें मुरमुरे पसंद है उसमें? मुझे सब कुछ चलता है, अब भी जो बनाने वाला हूँ ना वो बिना मुरमुरे के बनाए, आप अपनी पसंद के बनाइए, ठीक है? ओके। मैं तो बाद में खा लूंगी, कुछ भी चलेगा, आप उनको तो खाना है बस, हमें खाना चलता है, कुछ भी मुरमुरे हो ना हो, बचपन से मैं ऐसी हूँ, खाना बस फूडी है हमारी लाइफ। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से चलिए स्टार्ट। मुझे भी वैसे तो चलता है मुरमुरे विदाउट मुरमुरे, चलिए कोई बात, ऐसी मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे भेल बनाना हो रहा है स्टार्ट, और हेमल बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 चीजों से ही बन जाएगी आज की भेल, और वैसे मैंने कुछ दूसरा बनाया भी नहीं है, सिर्फ मुरमुरे ही है इसमें, 7वीं चीज भी दूसरा कुछ नहीं है। नहीं वो सेवैया है। हाँ सेवैया नहीं, भुजिया। भुजिया सेवैया तो वो जो खीर आती है ना उसे कहते हैं, हमारे गुजराती में उसे सेव कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे खाली बाउल रेडी है, रिच इसमें ना ऐड कर देंगे हम लोग। सबसे पहले आ जाएगा आलू, वैसे भी ये भेल की हीरोइन होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आलू ना वो भेल की हीरोइन होती है, ऐसा होता है क्योंकि इसके बगैर कुछ भी वो फीका होता है। अब इसमें ऐड करेंगे चना, ये ब्लैक वाले चने। अब इसमें ऐड होंगे ये वाले स्प्राउट मठ, जो की मठ है, ये छोटे छोटे होते हैं, देखिए ऐसे। ऐड होगी चौथी चीज रिच, जो की है गुजरातियों की आन बान और शान, जैसा की सुबह से बोल रही हूँ, वो है ढोकली रानी। क्या है ढोकली रानी, कुछ भी ढोकला की ढोकली है ये। तब इसमें ये ढोकला ऐड होगा। यस, इसे ना ऐसे कर देंगे हम लोग, इसे ऐसे कुछ अगर के। यस, अब पांचवी चीज बाकी है, फटाफट से ऐड कर दीजिए। चलिए ये क्या है, फुंगड़ा। फुंगड़ा यस, तो इसके अंदर अभी ऐड होंगे ये फ्राई, ये ऐसे कर देने के। क्या करने का है ये ऐसे करने का। अब क्या बाकी है, पांच तो हो गया, लास्ट एंड वन पीनट्स। पीनट्स, अरे पीनट्स देखिए देखिए, मुझे कल बोल रहे थे खुद खा रहे, इसीलिए कैमरा मैंने तुरंत ले लिया इस तरह, क्योंकि मुझे पता है जब पीनट्स किसी में भी ऐड होते हैं ना
पहले खाना ही पड़ता है। चलिए तो अभी 6 चीजें हो गई है, अब इसके अंदर चटनी ऐड नहीं होंगी, बिकॉज हेमल ने बोला था क्यों? कि 6 चीजों के अंदर ही मैं ये भेल बना दूंगा, तो चटनी तो 7-8 हो जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चटनी के बिना भेल कौन बना रहा है? तो आपको पहले वो दोनों को भी गिनवाना चाहिए था। नहीं, चटनी तो ऑलमोस्ट रहेगी, चटनी के बिना भेल कैसी बनती, कैसी है? आपको पता, आप बोल रहे थे कि 6 चीजों से बना दूंगा, तो ये 6 चीजें आ गई है। नहीं झूठ, नहीं आप कमेंट करके बताना 6 चीजें हुई ना सही, सच्ची सच्ची बता। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से अब इसमें 2 चटनियां ऐड होगी, जो कि गुड़ वाली एंड स्पाइस वाली 2 है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये गुड़ वाली, सबसे पहले ये गुड़ वाली है वो इसमें अंदर ऐड होगी, और दूसरी देखिए ये है जो कि है मिर्ची पाउडर, इसमें ऐड किया है ये बनाई है, तो ये मिर्च वाली, तो ये ऐड होगी देखिए। और ना चलिए तो अभी ना ये बेल, किस किस को ऐसी बेल पसंद है वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखेगा कि यस मुझे पसंद है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ किस किस का बचपन हेमल के जैसे गया है ये भेल खा के। क्यों हेमल? ऑलमोस्ट लगभग वही स्कूल में पढ़ा हो गया सभी लोग, आई थिंक 80% बट देखते हैं अभी। चलिए तो सब लोग कमेंट करके बताना, मोस्ट ऑफ बॉयज पसंद हो ऐसी, भले वो स्कूल में ना पढ़े हो, पसंद हो तो वो भी लिखना कि यस मुझे पसंद है ऐसी भेल, और मैंने खाई भी है। यस चलिए तो आप लोग प्लीज हेमल के लिए कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि किस किस ने ऐसी भेल खाई है। और जल्दी से चलिए अभी हम लोग हमारा डिनर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लेट। चलिए टेस्ट कर लीजिए, तुम्हें टेस्ट करवाता हूँ। चलिए, क्योंकि मैं हेमल के स्कूल में नहीं पढ़ती थी, है तो बहुत ज्यादा सुपर, बट इसमें नमक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खारी खारी है। टेस्ट कीजिए आप पहले, टेस्ट कीजिए, मुझे नहीं पसंद ना इसलिए सॉल्ट, हेमल को पसंद आएगा मुझे पता है, थोड़ा सा है हेमल, नहीं है? नहीं सही है, नहीं मुझे लगा थोड़ा, क्योंकि मैं ना थोड़ा कम नमक खाती हूँ, हेमल थोड़ा ज्यादा खाते हैं है। कोई बात नहीं चलिए, बट बहुत ज्यादा ही सुपर है हेमल, सुपर है ना, बहुत ज्यादा टेस्टफुल। फटाफट से हम लोग हमारा डिनर करते हैं, और आज तुम कैसे बनाओगी? यही विदाउट, आज कुछ नहीं खाना, ममड़ा नहीं चलेगा आज, ममड़ा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अभी भूख लगी है, खा लेंगे यही, मैं तो हेमल में से ही खा लूंगी, बनाऊंगी भी नहीं, ठीक है? ये ना बचपन की याद आ गई, यस, जब स्कूल में थे ना तभी। चलिए तो अभी हम लोग हमारा डिनर कर लेते हैं, और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। देखिए यहाँ पे, देखिए अकेले अकेले खाने भी लगे है, मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ, कुछ पूछा नहीं कुछ नहीं, और सीधा खा रहे हैं। Deep in the shadows, I know it's hard.